सर स्वागत है हमारे डिफरेंट डिफरेंट चैनल पे। क्या कुछ कहेंगे सर, आपके बारे में काफी सुना है हम लोग, काफी आप सक्रिय तौर पे काम कर रहे हैं लोगों के लिए। जी, सबसे पहले आप लोगों को धन्यवाद कि आप लोग मेरे पास आए, अपना समय दिए। सर मैं हम लोग जानना चाहेंगे सर, किस तरह का इलाज आप लोग करते हैं, जैसे पेट छाती संबंधित हमने लिखवाया है तो क्या क्या इलाज करते हैं? जी मैं सिर्फ फिजिशियन हूँ। जी जी, हमारे यहाँ पेट संबंधित कोई भी बीमारी हो उसका इलाज होता है। पेट संबंधित क्या क्या सर? जैसे लीवर में सूजन, भूख न लगना, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस। अच्छा, हेपेटाइटिस का भी इलाज करते हैं, जॉन्डिस का भी इलाज करते हैं और पेट में संबंधित जो भी बीमारी करते हैं। अच्छा, खासकर एक समस्या सर मैं देख रहा है बहुत आए दिनों में, लोगों को पेट से संबंधित कुछ बाल पकना, बाल झड़ना, इस तरह का सभी समस्या कुछ देखते हैं सर। इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने के लिए कुछ आजकल के गलत खान पान की वजह से पेट में ज्यादा इंडाइजेशन की समस्या रहती है, इसकी वजह से। सर एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे कि अभी कोरोना काल माहौल बीत चुका है, मतलब सरकार अब सब स्कूल कॉलेज सब खुलना शुरू हो चुकी है और आप लोग डॉक्टर हैं, हाइजेनिक में रहते हैं लोग और आप गाइडलाइंस का पालन अच्छे तरीके से करते हैं, अभी भी आप मास्क लगाए सही है, हम लोग भी लगाए, तो ये जानना चाहते हैं कि अभी आप पेशेंट के लिए क्या एक मैसेज देना चाहेंगे कि कोरोना सही मायने में खत्म हो चुका है कि अभी भी है, कि उस पर गाइडलाइन लोग ये अभी भी जांच होता है तो बहुत सारे लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं। तो मैं तो लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि जो गाइडलाइन है गवर्नमेंट का, तो दो गज की दूरी, मास्क, इस हाथ सैनिटाइजेशन करना, ये सबका पालन करते रहना है। पालन करते हैं तो सीमान के मरीजों के लिए क्या कुछ कहेंगे? सीमान के मरीजों ही नहीं, सिवान के समस्त जनता के लिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी गाइडलाइन है सरकार का, उस गाइडलाइन का प्रयोग काम कर। सर एक सवाल है, जैसे आप लोग डॉक्टर हैं, डॉक्टर कहा जाता है भगवान का दूसरा रूप कहा जाता है, नो डाउट कि मतलब आप लोग अच्छे तरीके से काम करते हैं और आपके हिसाब से एक जीवन प्रदान होता है, तो सही मायने में आपके हिसाब से सिवान में जितने भी डॉक्टर हैं मतलब अपना सभी कर्तव्य सही से निभाने की कोशिश कर रहे हैं? जी, IMA की मीटिंग में हम लोग जाते हैं तो जितने भी मेरे सीनियर्स हैं या जूनियर भी आ गए हैं आप सब, तो सब लोग का यही, हम लोग का ये रहता है कि मरीज को कितना बढ़िया से बढ़िया सेवा दिया जा सके। चलिए, धन्यवाद। थैंक यू सर, अपना परिचय बताइए सर। जी, मैं डॉक्टर राजेश कुमार रंजन।